अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो जो है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे ख्याल में। मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग मैसेज कर रहे थे कि कोरिया के अंदर आप आए हो, तो किस प्रोग्राम के थ्रू आए थे, क्या स्कॉलरशिप था, कैसे आपने स्टडी की, कैसे आपने मास्टर्स किया और अभी कैसे आप जॉब कर रहे हो। तो उसके पीछे एक सबसे बड़ी जो मेन रीज़न थी, जो बड़ा प्रोग्राम था जिसके थ्रू मैं कोरिया आया था, उसका नाम है कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो मैं उस प्रोग्राम के थ्रू आया था और हर साल पाकिस्तान से तकरीबन जो है ना 15 के करीब स्टूडेंट्स आते हैं कोरिया में, जो इस स्कॉलरशिप के अंदर आते हैं, इस स्कॉलरशिप के थ्रू आते हैं। तो ये बहुत दुनिया का एक वन ऑफ द प्रेस्टिजियस, बहुत ही जो कहते हैं ना शानदार किस्म का ये अवार्ड है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा अमेरिका के लिए होता है फुल ब्राइट, यूरोप के लिए होता है इरास्मस मुंडस, इसी तरह टर्की का होता है टर्की बर्सवारी, उसी टाइप का ये एक प्रोग्राम है जो कि जैसे मैं कहता था कि बहुत ही वन ऑफ द वंडरफुल प्रोग्राम्स, वन ऑफ द वंडरफुल स्कॉलरशिप्स एवर यू कैन हैव इन योर स्टडीज़ फॉर योर मास्टर्स, फॉर योर पीएचडी एंड इवन फॉर योर अंडर ग्रेजुएट। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है। तो इसके थ्रू मैं आया था और मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई आप इसके बारे में वीडियो बनाएं। सो आई डिसाइडेड कि आज मैं एक तफसीलन वीडियो बनाता हूँ, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी होगी, तो काइंडली एंड तक देखें, काफ़ी लंबी है क्योंकि मैं इसके अंदर आपको 8-9 चीज़ों के बारे में बताऊँगा। पहले स्कॉलरशिप का पर्पज़ बताऊंगा, स्कॉलरशिप के अंदर बेनिफिट्स क्या हैं वो बताऊंगा, फिर एलिजिबल कौन कौन होते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या नाम है, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होता है, उसके बाद कब आपने अप्लाई करना होता है, अप्लाई करने के बाद आपके जो है रिजल्ट्स कब आते हैं, और रिजल्ट्स आने के बाद कब आपकी जो है ना ट्रैवल स्टार्ट होता है कोरिया की तरफ। तो ये सारी चीज़ें मैं लंबी बताऊँ, काफ़ी डिटेल से बताऊँगा क्योंकि स्कॉलरशिप अभी अनाउंस होने वाले हैं फरवरी में, मेरे ख्याल में एक महीने से भी कम टाइम है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना रहा हूँ पाकिस्तानियों के लिए, और ये इंडियंस के लिए भी, बंगालियों के लिए भी, नेपाल के लिए, सब के लिए सेम ही ऑलमोस्ट गाइड है। तो काइंडली वीडियो जो है एंड तक देखें लाजमी, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी मुझसे पूछिएगा लाजमी। उसके अलावा प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, सो दैट आप जो है ना नई मैं वीडियो बनाऊंगा स्कॉलरशिप के बारे में या स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में या ट्रैवल के बारे में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए खैर, सबसे पहले स्टार्ट होते हैं गाइस। मैं आया था 2015 में इस प्रोग्राम के थ्रू, और मैंने मास्टर्स यहाँ पे कंप्लीट किया और अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल में ये मेरी ज़िंदगी का एक जो है कहते हैं टर्निंग पॉइंट होता है, जिसने मेरी ज़िंदगी को चेंज करके रख दिया। इस स्कॉलरशिप में एडमिशन मिलना था, इसकी बदौलत मैं काफ़ी ज़्यादा पूरे कोरिया में घूमा हूँ, मैं दुनिया के अंदर 20 मुल्कों में गया हूँ। कोरिया के अंदर मुझे जो है ना विज़िट कोरिया कमेटी की तरफ से, मैं इनका ऑनररी एम्बेसडर था, मैं ऑनररी रिपोर्टर हूँ korea.net, जो कोरिया की ऑफिशियल वेबसाइट है उसका मैं ऑनररी रिपोर्टर हूँ। देगू सिटी का मैं ब्लॉग सपोर्टर था, सोल स्टूडेंट एम्बेसडर मैं रह चुका हूँ। तो ये सारे जितनी भी माशाल्लाह मेरी अचीवमेंट्स थी, इट ऑल यू नो सबकी जो एक क्या कहते हैं बैकबोन जो थी ना, वो ये स्कॉलरशिप था। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप का बेसिकली पर्पज़ क्या था? पर्पज़ ये था कि यू नो कि ऑफकोर्स कोरिया डेवलप कंट्री है दुनिया का ना, 11th स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी है और वन ऑफ द डेवलप कंट्रीज़ है, बहुत डेवलप है यहाँ पे। तो इन लोगों का आइडिया था कि जो पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स आएँ, कोरियन कल्चर को देखें, कोरिया के लोगों के साथ घुले मिलें, और जब वो जाएँ अपनी कंट्री वापस, तो फिर वहाँ जाके जो है ना कोरिया के कल्चर को प्रमोट करें। और उनके ऑफकोर्स जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, तो वो बड़े होकर ऑफकोर्स कुछ उनमें से लीडर बनेंगे, तो सो दैट जब वो लीडर बनते हैं तो उनका और कोरिया का और बाकी आपस में इन दुनिया का एक अमन पैदा हो, वॉर ना हो, ये बेसिक पर्पस है। तो सिर्फ यही नहीं है इसका पर्पस कि यू नो आए और रिसर्च की सारा 24 घंटा 365 डेज आपने रिसर्च की, वापस चले गए, बस वहाँ पे जाके आपने स्टार्ट कर दी कोई जॉब, किसी लेक्चरर लगे नहीं, आपने यहाँ के इनका कल्चर को देखना है, अपना कल्चर को प्रमोट करना है और पूरी दुनिया में अमन फैलाना है, ये बेसिक पर्पस था इनका। और हर साल दुनिया से 780 के करीब जो है ना स्टूडेंट्स पूरी दुनिया से लेते हैं, बे इट यू नो पाकिस्तान इंडिया, बे इट लाइक यू नो इंडोनेशिया, मलेशिया, फ्रॉम साउथ अमेरिका, रशिया, पूरी दुनिया से कहीं से भी कंट्री उठा लो, वहाँ से स्टूडेंट्स आए होते हैं यहाँ पे। तो बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है। अभी जो मैं फरवरी में जो प्रोग्राम्स ओपन हो रहे हैं उसकी जो है वो हो रहे हैं मास्टर्स और पीएचडी के लिए।
तो अगर आप लोगों ने FSC की है और आप अंडर ग्रेजुएट के लिए प्रोग्राम सर्च कर रहे हैं तो मे बी ये वीडियो आपके लिए ना हो, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये प्रोग्राम होता क्या है। लेकिन अगर आप लोगों ने बैचलर्स कर लिया है या आप करने वाले हैं, एक सेमेस्टर रह गया, तो ये फिर आप लोगों के वीडियो है। और आप मास्टर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या पोस्ट डॉक में या फिर PhD में, तो ये आपके लिए वीडियो है। एलिजिबिलिटी है कि आपकी एज अप्लाई करते वक्त 2017 तक थी इनकी लिमिट 40 ईयर्स, 40 साल, लेकिन अभी पिछले साल से इन्होंने 45 ईयर्स कर दिए है। तो अगर आप 41 42 ईयर्स हो तो यू गाइज आर लकी, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गई मेन एलिजिबिलिटी। उसके अलावा आप कुछ कंट्रीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा दुनिया के, 110 में से 90 के करीब जो तो शायद कंट्रीज़ इंक्लूड होते हैं, आप उन कंट्रीज़ के रेजिडेंट मेंबर होना चाहिए आप लोगों को। आपकी नेशनलिटी कोरियन नहीं होनी चाहिए। आप क्या नाम है, पहले आपने ये स्कॉलरशिप लिया हो और आपने स्किप कर दिया हो तो फिर भी आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा एक और रहता है आपका GPA। GPA मैं आपको बता दूँ, GPA ऑफ कोर्स यू नो पीपल कहते हैं कि GPA डजंट मैटर, बट सम टाइम इट डज। मेरे ख्याल में जो है ना, मैंने जितनी भी रिसर्च की थी, मेरे ख्याल में इस स्कॉलरशिप का GPA जो रिक्वायरमेंट है ना, आपको 2.64 से ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम और यानी लाइक 80% के करीब बनता है। और आपका टोटल CGPA 4 है, लाइक टोटल जो ग्रेड होता है आपको यूनिवर्सिटी का 4 है, आउट ऑफ 4 आपका जो CGPA है वो 2.64 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम है तो मेरे ख्याल में आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इट्स अप टू यू, आप एम्बेसी वालों से कंफर्म कर लीजिएगा। आप जो यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं ये स्कॉलरशिप, जिस कोरिया में आके आप पढ़ते हैं, वो 64 के करीब यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो आप उनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाके आप यू नो पढ़ सकते हैं, जो क्या कहते हैं, मास्टर्स और PhD कर सकते हैं। और प्रोग्राम जो है ये सिर्फ ये नहीं है कि इंजीनियरिंग वाले आते हैं, नहीं, लिंग्विस्टिक्स वाले भी आते हैं, आर्ट्स वाले भी आते हैं, और उसके अलावा क्या नाम है, फाइनेंस वाले, MBA वाले भी समटाइम आते हैं। मेडिकल वालों के लिए नहीं है, तो अगर आपने MBBS का प्लान है तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। उसके अलावा ऑलमोस्ट दुनिया की कोई भी फील्ड उठा लो तो आई एम श्योर आप लोगों को डेफिनेटली मिल जाएगी उन 64 यूनिवर्सिटीज़ में से। अप्लाई करने से पहले मैं बताता हूँ कि प्रोग्राम की जो है ना बेनिफिट्स, सबसे मेन जो चीज़ है वो आपको अवार्ड्स क्या या क्या सहूलियात क्या मिलती हैं। तो क्या सबसे बड़ी चीज़, आप जब अपने कंट्री से आते हो तो आपका एयर फेयर फ्री होता है, आपको अपने कंट्री से कोरिया और कोरिया से वापस आपके कंट्री की जो फ़्लाइट टिकट है वो फ्री देते हैं ये लोग। आपको वीज़ा की फ़ी भी नहीं होती, वो भी आप लोगों की फ्री होती है। उसके अलावा आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है 900,000 कोरियन वॉन, जो कि इक्वल है ऑलमोस्ट $800 के करीब, तो पाकिस्तान में ये तकरीबन बनेगा 1 लाख, 1 लाख या 90,000 से 95,000 के करीब आपको पर मंथ स्कॉलरशिप मिल रहा होता है। हर आपकी स्टडी भी फ्री है, ट्यूशन भी फ्री है, सब कुछ फ्री है, आपको स्कॉलरशिप मिलता है। उसके अलावा आपको जो है ना, जब आप कोरिया आते हो तो आपको 20,000 के करीब आपको सेटलमेंट अलाउंस मिलता है, आपकी इंश्योरेंस फ्री होती है, ठीक है। उसके अलावा आप जब जो है ना, आप 1 साल आपने लैंग्वेज करनी होती है, इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, आपने 1 साल लैंग्वेज में गुजारना होता है, और वो लैंग्वेज भी आपने फीस नहीं देनी होती, वो लैंग्वेज भी फ्री है, और उसके दौरान भी आपको पैसे मिल रहे होते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, लाइक आप पढ़ रहे हो, आप एक लैंग्वेज सीख रहे हो और आपको ये लोग पैसे दे रहे हैं, और कितना पैसे दे रहे हैं, 90,000, 95,000, 1 लाख के करीब पैसे दे रहे हैं। तो ऐसा प्रोग्राम गाइस नहीं मिलने वाला, इसलिए ये बेस्ट प्रोग्राम है, यहाँ अप्लाई कीजिएगा लाजमी। उसके अलावा आपके जब मास्टर्स कर लेते हो तो आपकी थीसिस के ये पैसे आप लोगों को वापस रिफंड करते हैं, और आप जब अपने कंट्री वापस जाते हो तो उसकी एयर फेयर भी ये लोग देते हैं, तो ये सब कुछ फ्री है। आप लोग यू नो अगर आप कोरिया में रहते हो और आप इवन सोल जो कैपिटल है वहाँ पर रह के भी आप हर मंथ 30-40 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ बचा सकते हो, ट्रस्ट मी गाइस, आप बचा सकते हो। तो ये इसलिए बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है। तो गाइस ये वाला अभी अप्लाई करने का जो टॉपिक है ये है थोड़ा सा वेरी काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग, नहीं लेकिन डिटेल है, तो गौर से सुनिएगा। अप्लाई करने के दो प्रोसीजर्स होते हैं, एक है थ्रू एम्बेसी और एक होता है थ्रू यूनिवर्सिटीज़, थ्रू कोरियन यूनिवर्सिटीज़। मैं आया था कोरिया, मैं आया था एम्बेसी के ट्रैक के थ्रू, और जो आते हैं स्टूडेंट, कुछ मोस्टली आते हैं स्टूडेंट्स, वो आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के ट्रैक के थ्रू।
जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पाकिस्तान से आते हैं हर साल, वो कह रहा था 15 के करीब होते हैं, तो नंबर वेरी होता रहता है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अम्बेसी वाले लास्ट ईयर थे 5 के करीब स्टूडेंट्स आए थे अम्बेसी के थ्रू, और जो प्रोफेसर स्कॉलरशिप के थ्रू आए थे वो होते हैं 8 से 10 के करीब हर साल। तो यू नो लाइक नंबर फिक्स नहीं होता, लोगों को एडमिशन भी लेना होता है और हर साल नंबर चेंज भी होता रहता है, लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया कि अम्बेसी वालों की तादाद कम होती है और यूनिवर्सिटी वालों की तादाद ज़्यादा होती है। पहले आप लोगों को मैं बताता हूँ अम्बेसी के थ्रू अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होता है। अम्बेसी के अंदर अप्लाई करने के तीन सब स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो अम्बेसी की वेबसाइट के अंदर आपकी जो है ना एप्लीकेशंस ओपन हो गई हैं फॉर KGSP ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर 2019, इसके नाम से नोटिस आएगा कोरियन एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। आपने वो क्या करना है, आपने कीप वॉचिंग और कीप यू नो विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ साउथ कोरियन एम्बेसी। जब जैसे ही वो फरवरी के पहले वीक में या मैक्सिमम सेकंड वीक में वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिस आ गया तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने कुछ फॉर्म्स वहाँ से वेबसाइट से डाउनलोड करने होते हैं और कुछ आपने अपने आप से प्रिपेयर करने होते हैं। जो वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है वो होता है एप्लीकेशन फॉर्म, वो आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया, फॉर्म नंबर 1 कहते हैं उसे। उसके अलावा एक होता है पर्सनल स्टेटमेंट का फॉर्म, वो भी आप लोगों ने वो खैर एक्चुअली आप पैकेज वहाँ से डाउनलोड करते हो वेबसाइट से कोरियन एम्बेसी की, तो आपको सारे फॉर्म्स वहाँ से मिल जाएंगे। पर्सनल सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, फिर पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर आपने बताना है कि आप यू नो लाइक अभी तक क्या गुल खिलाए आप लोगों ने, क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं, और आपके पास कोई अवार्ड्स हैं, आपके रिसर्च पेपर है, वो सारा रिसर्च वो आपने वहाँ पर लिख देना है। तीसरे नंबर पर फॉर्म होता है, वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ का फॉर्म है तीसरे नंबर पर। ये तीन फॉर्म तो हो गए हैं, ये एम्बेसी की वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ होता है, या एक और फॉर्म जो एम्बेसी की वेबसाइट से मिलेगा आपको, वो होता है कि एक कौन साइंड काइंड ऑफ यू नो एक क्या कहते हो साइंड डॉक्यूमेंट होता है कि आप अप्लाई कर रहे हो KGSP के एंड यू विल फॉलो ऑल द रूल्स इफ़ यू गेट एक्सेप्टेड फॉर द प्रोग्राम, और आप प्रोग्राम के एक्सेप्ट हो जाते हो तो आप सारे रूल फॉलो करोगे, ब्ला ब्ला ब्ला, ये चीज़ें मेन जो है ना ये फॉर्म डाउनलोड कर ली आपने। उसके बाद आपने जो है ना आपने रेफरेंस लेटर लेने होते हैं अपने दो किसी प्रोफेसर से, तो दो रेफरेंस लेटर भी आप लोगों को चाहिए होते हैं। रेफरेंस लेटर हो गया, उसके बाद आपको चाहिए होता है प्रूफ ऑफ जो होता है सिटीजनशिप, कि आप पाकिस्तान के सिटीजनशिप हो या सिटीजन हो या बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, वेयर एवर, मलेशिया। उसका ये है कि आपके वो या तो पासपोर्ट की आपको अपनी कॉपी सबमिट करवानी पड़ती है, फर्स्ट पेज की कॉपी, या फिर आपको CNIC की कॉपी जो है ना वो सबमिट करवानी पड़ती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद होता है आपका मेडिकल असेसमेंट, मेडिकल असेसमेंट भी आपने सबमिट करवानी होती है कि आपको कोई यू नो इशू वगैरह नहीं है, कोई मेडिकल की जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम नहीं है मेडिकली, ठीक है। उसके बाद है क्या नाम है सर्टिफिकेट, और आप लोग एम्प्लॉयड हो तो उसकी खैर ज़रूरी नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है अगर आपके पास कोरियन लैंग्वेज का यू नो सर्टिफिकेट है और आपने कोरियन लैंग्वेज की, तो वो सबमिट करवा सकते हो, वो एक प्लस पॉइंट होगा। अगर नहीं है तो फिर भी डोंट वरी, उसका नुकसान नहीं है। एक और फिर उसके आता है एक और मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, वो आपके ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं और यूनिवर्सिटी से आपकी जो ग्रेजुएशन की वो कहते हैं सन्द मिलती है ना, वो चाहिए होता है आपको। ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए होती हैं और सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन के, आप सर्टिफिकेट आपने ग्रेजुएट कर लिए, तो ये चीज़ें भी आपने लाजमी लगानी होती हैं। अगर आपने ग्रेजुएट नहीं किया और आप अपने लास्ट सेमेस्टर में हो और आप अगस्त तक ग्रेजुएट हो जाओगे, तो यू आर स्टिल एलिजिबल टू अप्लाई, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको फिर एक यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट लगाना होता है कि आपने अभी तक आपका क्या GPA था, उसकी ट्रांसक्रिप्ट, और एक सर्टिफिकेट आप लगाएंगे कि आप अगस्त तक ग्रेजुएट हो जाएंगे। ये दो चीज़ें लगा के आप अप्लाई कर सकते हो, तो डोंट वरी अबाउट इट। खैर ये चीज़ें आप, ये सारे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं लिस्ट अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, और आप वेबसाइट कोरिया डायरीज़ के वेबसाइट के ऊपर जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। खैर ये सारी चीज़ें डाउनलोड आपने इकट्ठी कर ली ना, अभी एम्बेसी का जो है ना उसके अंदर ये है कि आप तीन यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हैं एम्बेसी वालों के लिए, है यूनिवर्सिटीज़ वालों के लिए नहीं, एम्बेसी के रिकॉर्ड के लिए। और आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करो तो आप तीन यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हो। 64 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, नाम आप यू नो नेट पे भी सर्च कर सकते हो, मेरी वेबसाइट के जाके भी सर्च कर सकते हो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उनमें से आपने तीन चूज़ करनी है, उन तीन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर किस डिपार्टमेंट में आपने जाना है वो आपने खुद रिसर्च करनी होती है। जब ये पूरा रिसर्च कर लिया आपने, तो आपने फिर तीन सेट बनाने हैं, 1, 2, 3, हर एक सेट एक यूनिवर्सिटी के लिए, और एक सेट आपने बनाना है एम्बेसी के लिए, तो टोटल 4 सेट बनाने होते हैं, ठीक है। एक तीन हो गए यूनिवर्सिटीज़ के लिए और एक हो गया एम्बेसी के लिए।
जो एम्बेसी वाला है वो उसके अंदर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं, और जो यूनिवर्सिटीज़ वाला है उसके अंदर आपको फ़ोटो कापीज भी चल जाती हैं। ये एक पूरे चार सेट हो के आपने जो डेडलाइन होती है यूजुअली मार्च के पहले वीक तक होती है डेडलाइन, आपने ये सारी डॉक्यूमेंट सेंड करनी होती हैं एम्बेसी को। एम्बेसी को सेंड कर लिए, एम्बेसी वाले कुछ यू नो मे बी हर साल 5-6 हज़ार के करीब एप्लीकेंट्स अप्लाई करते होंगे, उनमें से यू नो छांटी करके जो है ना लोगों को मे बी आई डोंट नो 100 बंदों का इंटरव्यू करते हैं पहले इनिशियल फेज़ में। 100 बंदों का इंटरव्यू करने के बाद वो फिर फाइनल करेंगे, लेट्स से 10 बंदे फाइनल किए उन्होंने, 10 बंदे फाइनल किए, आपका नाम आ गया वेबसाइट एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर के दीज बंदे हैव बिन और बंदियाँ हैव बिन शॉर्ट लिस्टेड इन देयर फर्स्ट राउंड। एम्बेसी का राउंड हो गया कंप्लीट और मुझे लग गई है प्यास। और अच्छा, एम्बेसी का राउंड हो गया, उसके बाद आता है राउंड नंबर 2 फॉर एम्बेसी पीपल। एम्बेसी क्या करती है, एम्बेसी आपकी चाहे इंडिया में है वो फिलिपिन में नेपाल में पाकिस्तान में, ये आपको ये सारी डॉक्यूमेंट सेंड करती हैं कोरियन गवर्नमेंट जो इदारा है NIAED, उनको सेंड कर देते हैं। ठीक है, अभी NIED इन 10 में से शॉर्टलिस्ट करेगी कुछ लोगों को और उनके नाम भेज देगी यूनिवर्सिटीज़ को। सो लेट्स से मैं हो गया हूँ, रजाक, आदिल, ये 3 बंदे सेलेक्ट हुए हैं NIED जो कोरियन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उसके पास चलेंगे नाम। उन लोगों ने हमारे डॉक्यूमेंट्स आगे सब यूनिवर्सिटीज़ को सेंड कर दिए, तीन तीन यूनिवर्सिटीज़ को। फिर अगर किसी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दे दिया तो आप एडमिट हो जाओगे, जो कि थर्ड स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है यूनिवर्सिटी से एम्बेसी से आपको नॉमिनेट होना चाहिए, दूसरा होता है जो कोरियन गवर्नमेंट से नॉमिनेट होना चाहिए, और तीसरा होता है वो होता है फाइनल कि आपको एडमिशन मिलना चाहिए। तो गाइज 90% ऑफ द टाइम या फिर 95% 95% ये होता है कि अगर आपको कोरियन की गवर्नमेंट से रिकमेंडेशन हो जाती है ना तो यूनिवर्सिटीज़ वाले आपको ले लेते हैं, अनलेस बहुत कम 2-3% ही ऐसे लोग होते हैं जिनको बड़े अनलकी होंगे कि उनको एम्बेसी ने भी रिकमेंड कर दिया, गवर्नमेंट ने भी रिकमेंड कर दिया, लेकिन यूनिवर्सिटी वालों ने उसका आई डोंट नो रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, जो भी यूनिवर्सिटी वाले उसे नहीं ले रहे, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं। लेकिन 95% ऑफ द टाइम आपको यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन हो जाएगा, और अगर आपको तीन से या दो से ज़्यादा या लाइक 3 यूनिवर्सिटीज़ ने एक्सेप्ट किया तो आप फिर चूज़ करते हो मैंने किस यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। ये हो गया तो आपको फिर अप्रैल मई के अंदर आपको फाइनल अनाउंसमेंट आ जाती है कि भाई ये बंदे एम्बेसी से नॉमिनेट हो गए हैं। फिर अगस्त के अंदर उसके बाद आपको अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है, फिर आपके मेडिकल के कुछ और टेस्ट होते हैं, और अगस्त के अंदर आप लोग आ जाते हो फ्लाइट लेके कोरिया लैंड हो जाते हो। तो ये होते हैं बेसिक रिकॉर्ड। दूसरा आते हैं, अभी इट्स वेरी टफ टू मेक अ वीडियो, दूसरा आते हैं हम लोग यूनिवर्सिटी के ट्रैक के थ्रू। यूनिवर्सिटी का ट्रैक लिटिल बिट डिफरेंट, यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग वो 64 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, वहाँ पे देखते हो उन्होंने बताया अनाउंस किया होगा कि KGSP के एप्लीकेशन ओपन हो गई हैं इस वेबसाइट तक, इस डेट तक अपने डॉक्यूमेंट सेंड करो कोरिया में। ठीक है, तो गाइस आपने क्या करना होता है, आपने हर यूनिवर्सिटी को देखना होता है, उसकी वेबसाइट के ऊपर जाके आपने जो आपको यूनिवर्सिटी पसंद आई, एक और चीज़ यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों ने कितनी यूनिवर्सिटी चूज़ की थी, 3, राइट, 3 चूज़ की थी। यूनिवर्सिटी ट्रैक के ऊपर एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि आपने जस्ट एक यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं, आपने 64 में से एक यूनिवर्सिटी चूज़ की और उसके अंदर अप्लाई किया, आप एक से ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते, और आप लोगों ने किया तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है, आपने खैर अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए हैं यूनिवर्सिटी वालों को, और यूनिवर्सिटी वालों की फिर अगर यूनिवर्सिटी वाले एक्सेप्ट करते हैं तो वो अगेन 90% ऑफ द टाइम, और यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया तो वो डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे कोरियन की गवर्नमेंट को, और कोरियन की गवर्नमेंट डेफिनेटली अप्रूव कर देगी। तो ये सिंप ये भी ये प्लस पॉइंट है यूनिवर्सिटियों के लिए। एम्बेसी वालों के अंदर तो काफ़ी खौरी थी ना, 3 बड़े स्टेप थे, यहाँ के अंदर क्या है, यहाँ के अंदर आपको और यूनिवर्सिटी वालों ने एडमिट कर लिया आपको तो आप डेफिनेटली 99% आप सिलेक्ट हो जाते हो, आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो गाइज ये क्या कहते हैं, ये प्रोसीजर है आप यूनिवर्सिटी वालों के लिए। बाकी मेन डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन प्रोसीजर, यहाँ की जो डेडलाइंस है ना, एप्लीकेशन प्रोसीजर सेम लिटिल भी डिफरेंट है, लेकिन डेडलाइन हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाके आप देखेंगे हर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन डिफरेंट होती है इन लोगों के लिए, यूनिवर्सिटी ट्रैक के लिए। खैर दोनों के ट्रैक की इन्फॉर्मेशन बता दी, और जो लोग सेलेक्ट होंगे हो जाते हैं वो फिर जाते हैं अगस्त के अंदर जाके आप कोरिया आते हो, और फिर यू स्टार्ट योर लैंग्वेज ईयर। और आप लोगों ने
लैंग्वेज नहीं की हुई तो एक साल आपने लैंग्वेज करनी होती है कोरिया के अंदर, और मेरे ख्याल में वो टाइम जो है ना वो बेस्ट टाइम होता है, बड़ा मज़ा आता है उस साल में। और आपको कोरियन लैंग्वेज भी आती है जैसे मुझे आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अन्य से हो जानू पाकिस्तान सारा जो हंगू ओम चंग मानी जो आम निदा। खैर तो ये मैं थोड़ी सी जो है ना वो क्या कहते हैं शो ऑफ कर रहा था अपनी कोरियन लैंग्वेज स्किल। तो खैर गाइज ये सारा प्रोसीजर है, कोरिया आओ। और मेरे ख्याल में हर किसी इंसान को ज़िंदगी में एक सेमेस्टर या एक डिग्री प्रोग्राम लाजमी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहिए। उससे ना सिर्फ आपकी ग्रूमिंग होती है, आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, दूसरों के कल्चर से सीखते हो बहुत, और एक जो है ना अच्छे इंसान एक जो है ना वो बन जाते हो। मेरे ख्याल में बहुत इम्प्रूव होते हो आप लोग। तो दूसरों की बातें ना सुनिएगा यू नो कि भाई कोरिया जाना पाकिस्तान के पाकिस्तान में रह के कर लो। ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज़ बेस्ट, इंडिया इज़ बेस्ट, नेपाल इज़ बेस्ट। आप हर कंट्री में डिग्री लेने के बाद आप वापस आओ, अपने कंट्री को सर्व करो, वो सबसे बेस्ट चीज़ है। लेकिन कहते हैं ना सफ़र सफ़र वसीला तो ज़फ़र, जो सफ़र के अंदर है ना वो ज़फ़र है। तो आप ज़फ़र पैदा हासिल करने के लिए यू नो अपने पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए और अपने आप को एक नया अच्छा इंसान बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए कि आप जो है ना दूसरे कंट्रीज़ में ट्रैवल करो, स्पेशली स्टडी करो। और स्टडी के लिए मेरे ख्याल में कोरिया वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ है, तो यहाँ लाजमी आओ। ये प्रोसीजर है गाइस। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, और मुझे वेबसाइट के ऊपर कॉन्टेक्ट करें, और एट द एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को थम्स अप करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। काफ़ी वीडियो लंबी थी, एनीवेज थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।